ये एक वेबसाइट है जो कि एक घंटे की ऑडियो या वीडियो के ट्रांसक्रिप्शन के लिए आपको $5 से $25 तक पे करती है। इसके साथ ही एक वेबसाइट और भी है जो कि एक घंटे की ऑडियो या वीडियो के ट्रांसक्रिप्शन के लिए आपको $15 से $22 तक पे करती है। तो अगर आप दिन के 4 से 5 घंटे भी काम करते हैं और हम अगर मिनिमम पे आउट $5 पर घंटे के हिसाब से लेकर चले तो आप डेली के 1500 से 1800 रुपये बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं और महीने के 50,000 से भी ज़्यादा, जो कि किसी भी एंगल से कम नहीं है। एक और बात, जो ये अर्निंग है वो आपकी एक वेबसाइट से होने वाली अर्निंग है, पर जैसे ही आप ट्रांसक्रिप्शन के काम में एक्सपर्ट हो जाते हैं आप एक से ज़्यादा यानी कि मल्टीपल वेबसाइट पर भी ट्रांसक्रिप्शन का काम करके अपनी अर्निंग को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इससे एक बात तो समझ में आ जाती है कि भाई ट्रांसक्रिप्शन के काम में पैसा स्कोप दोनों ही है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं मिस्टर भूषण चैनल। तो अगर आप ऐसे ही आसान और जेन्युइन तरीके से ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वैसे तो इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट अवेलेबल है जहां पर आप ट्रांसक्रिप्शन का काम करके पैसे कमा सकते हैं, पर आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही बेहतरीन वेबसाइट से रूबरू करवाने वाला हूं, जो कि काफी बिगिनर फ्रेंडली वेबसाइट है जहां पर आप ट्रांसक्रिप्शन के काम को बहुत ही आसानी से कंप्लीट करके काफी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो अगर आप ट्रांसक्रिप्शन की फील्ड में बिल्कुल नए हैं, आपको ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। आगे की वीडियो में मैं आपको इस वेबसाइट पर लाइव ट्रांसक्रिप्शन का काम करके सिखाने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। गूगल पे जाके आपको टाइप करना है हैप्पी स्क्राइब, और इस वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, जहां पे क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहां पे आप देख सकते हैं जो पहला जो लिंक आ रहा है यहां पे आपको क्लिक कर देना है। ये इस वेबसाइट का इंटरफेस है। आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके चले जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वेबसाइट को 4.8 की रेटिंग मिली है। इससे आप इसके पोटेंशियल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। नीचे आने पर यहाँ पर आपको फ्रीलांसर का ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको ट्रांसक्राइबर वाले बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद आपको अप्लाई वाले बटन पे क्लिक कर देना है। साइन अप करने के लिए आपको यहाँ पे अपना नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड और यहाँ पे अप्लाई फॉर में आपको इंग्लिश यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज में ट्रांसक्रिप्शन का काम करना है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे लैंग्वेज को चुन सकते हैं। साइन अप करते ही आप इस पेज पे आ जाओगे। स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको एक बटन दिखेगा, आई एम रेडी टू टेक द टेस्ट। इस वेबसाइट पर काम करने के लिए आपको एक छोटा सा टेस्ट देना होता है, जो कि काफ़ी आसान होता है। आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस टेस्ट को आपको कैसे कंप्लीट करना होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन के इस टेस्ट में आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप दी जाती है, जिसको सुनकर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसक्राइब करना होता है। जैसे ही आप इस वीडियो को प्ले करते हैं आपको एक ऑडियो सुनने को मिलती है, कुछ इस टाइप की ऑडियो आपको सुनने को मिलेगी। Our political system is dominated by two big parties, Fine Gael and Fianna Fáil. Other countries have a clear... इस ऑडियो को सुनने के बाद आपको यहाँ टेक्स्ट फॉर्मेट में इसको ट्रांसक्राइब करना है। अगर आपकी इंग्लिश काफी अच्छी है तो आपको यहाँ पे मिस्टेक्स को चेक करना है कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स या फिर पंक्चुएशन मिस्टेक या फिर कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक ना हो। इस वेबसाइट पर ट्रांसक्रिप्शन का काम करने के लिए कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। इन गाइडलाइंस को आपको पढ़ना जरूरी है, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आगे आपसे कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाला हूँ, जिसके जरिए आप ट्रांसक्रिप्शन के काम को हाई एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट कर लेंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो जो स्टेप मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, उन स्टेप्स को फॉलो करके आप यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इस वीडियो को यहाँ पे डाउनलोड वीडियो को डाउनलोड कर लेने के बाद आपको नए टैब में जाके फिर से इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है, और यहाँ पे आपको माई अकाउंट में जाने के बाद आपको यहाँ पे लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट करने के बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट फॉर फ्री वाले बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको एक नई ईमेल आईडी से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे दो बटन देखने को मिलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन और सबटाइटल्स। सबटाइटल्स को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको ट्रांसक्रिप्शन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड फाइल वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आने के बाद आपको उस वीडियो को यहाँ पे अपलोड करना है। उसके लिए आपको यहाँ पे माई डेस्कटॉप वाले बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इस वीडियो को सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। तो जैसे आप देख पा रहे हैं मेरी जो वीडियो है यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अब इसको मुझे इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसक्राइब करना है। यदि आप किसी और लैंग्वेज में भी ट्रांसक्राइब करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करके जो उस लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है गाइस, मुझे इंग्लिश में करना है तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद आपको ये वाले बटन पे क्लिक करना है और स्क्रॉल डाउन करके आपको ट्रांसक्राइब वाले बटन पे क्लिक कर देना है। इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पे एजुकेशन वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद आपको जस्ट मी वाले बटन पे क्लिक कर देना है।
और इसमें आप अपना नाम डाल सकते हैं। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मेरी जो फाइल है वो ट्रांसक्राइब हो चुकी है। मुझे यहाँ पे ओपन डैशबोर्ड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आने के बाद आपको ओपन वाले बटन पे फिर से क्लिक कर देना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरी जो वीडियो क्लिप थी वो टेक्स्ट फॉर्मेट में ट्रांसक्राइब अच्छी तरह से हो चुकी है। अब मुझे इसमें जो भी मिस्टेक्स हैं उनको सही करना है। इसके लिए आप एक ग्रामरली एक्सटेंशन की मदद ले सकते हैं। ये सारे जो काम मैं लैपटॉप में कर रहा हूँ, आप इसे अपने मोबाइल फोन में भी कर सकते हैं। डाउनलोड कर लेने के बाद मैं नए टैब में चला जाऊंगा। नए टैब में जाने के बाद यहाँ पर मैं ग्रामरली सर्च करूंगा। ये ग्रामरली की वेबसाइट है। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने जिस पीडीएफ को डाउनलोड किया था उसे सिलेक्ट करके यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो अगर आप ग्रामरली के बारे में नहीं जानते हैं तो ग्रामरली एक क्रोम का एक्सटेंशन होता है जिसे आप अपने मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप दोनों में ही यूज कर सकते हैं। इसकी मदद से आप पंक्चुएशन मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक्स और स्पेलिंग जैसे बहुत सारी मिस्टेक्स को काफी सही कर सकते हैं, जिससे आपकी एक्यूरेसी जो है ट्रांसक्रिप्शन की एक्यूरेसी वो 80% से भी ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे पंक्चुएशन मिस्टेक हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सही हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सारी यहाँ पे मिस्टेक्स मुझे देखने को मिल रही है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने ग्रामरली की हेल्प से जितनी भी मिस्टेक्स इसमें थी वो सारी की सारी मैंने सही कर ली है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने ग्रामरली से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है मिस्टेक्स को सही करके। पेस्ट करने के बाद आपको फिर से एक बार अच्छी तरह से चेक करना है जिससे कि कोई भी मिस्टेक्स इसमें ना हो। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपसे 6 छोटे-छोटे और आसान आसान से क्वेश्चंस किए जाएंगे जिनका आपको आंसर दे देना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी नेटिव लैंग्वेज कौन सी है, यानी आप जो नॉर्मल लैंग्वेज में बातचीत करते हैं वो कौन सी लैंग्वेज है। हिंदी में बात करते हो आपको यहाँ पे हिंदी वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है या फिर इंग्लिश सेलेक्ट करके आपको आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप नेटिव लेवल पे और कौन सी लैंग्वेज बोल पाते हैं। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल लेता हूँ तो मैं यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट कर लूंगा। हिंदी सिलेक्ट करने के बाद आपको आगे बढ़ जाना है। अब आपसे यहाँ पे आपका करंट वर्किंग स्टेटस पूछा जा रहा है। अगर आप स्टूडेंट हैं, अनएम्प्लॉयड है या फिर आप कोई जॉब करते हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं एम्प्लॉय वाला ऑप्शन। मैं स्टूडेंट हूँ तो स्टूडेंट वाले बटन पे क्लिक करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने यहाँ पे एज अ फ्रीलांसर अपने आप को रजिस्टर किया है, तो आपको यहाँ पे यस वाले बटन पे क्लिक करके आगे बढ़। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपने हैप्पी स्काइप के बारे में कहाँ से सुना। अगर आपको मेरी वीडियो के थ्रू इसके बारे में पता लग रहा है तो आपको यहाँ पे YouTube टाइप कर देना। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, यहाँ पर आपको अपने बारे में एक छोटा सा फन फैक्ट लिखना है। उसके बाद से आपको यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो टेस्ट है वो सबमिट हो चुका है। 1 से 2 दिन में हमारे टेस्ट को अप्रूवल मिल जाएगा और हमें ईमेल के थ्रू यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जैसे ही हमारे पास इस वेबसाइट का ईमेल आ जाएगा उसी दिन से हमें डेली बेसिस पे इस वेबसाइट पे काम मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये था हमारा पूरा प्रोसेस इस वेबसाइट पर ट्रांसक्रिप्शन का काम करने का। जो जो मैंने टिप्स और ट्रिक्स आपसे शेयर की है उनको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से ट्रांसक्रिप्शन का काम कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह की और ढेरों सारी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।